अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को खुश आमदीद कराची वेदर ऑब्जर्वेटरी की लाइव अपडेट्स में। और इस टाइम पे कराची का मौसम काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन आपको बताते चलेंगे जुम्मा और हफ्ते को गर्मी पड़ने का इम्कान है। 38 से 39 डिग्री के बीच में टेम्परेचर्स रहेंगे, कहीं शहर के आउटस्कर्ट्स में 40 भी क्रॉस कर सकता है टेम्परेचर। तो ये अपडेट्स आप लोग कराची वेदर ऑब्जर्वेटरी पर देख रहे हैं। रोज़े वाले जो हैं वो एहतियात करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और मसाले वाले खानों से परहेज़ करें, तेल वाले खानों से परहेज़ करें। गर्मी का सीज़न है, नुकसानदेह हो सकता है आप लोगों के लिए और चिड़ियों के लिए, परिंदों के लिए। छत पे जो है वो बाजरा वगैरह रखें, पानी रखें, सवाब का काम है। गर्मी के दिन भी चल रहे हैं, तो ये अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए। सिंध की साहली पट्टी पर गर्मी रहेगी 2 से 3 दिन, और ख़ास तौर पे कल और हफ्ते के दिन। ये वेदर अपडेट्स आप लोग देख रहे हैं कराची वेदर ऑब्जर्वेटरी ये यूट्यूब चैनल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और एक लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और मानसून के बारे में आपको बताते चले हैं, मानसून प्री मानसून अब की बार जल्दी इंशाल्लाह जून के पहले हफ्ते से एक्सपेक्टेड हैं कुछ बारिशें कराची के लिए, सुबह सिंध की साहली पट्टी के लिए। और इस मई के सीज़न में भी ट्रॉपिकल एक्टिविटीज़ दिख रही हैं, 1 से 2 सिस्टम अरेबियन सी से आते हुए दिख रहे हैं। उसके बारे में भी हम लोग अपडेट्स आपको देते रहेंगे वक्तन फ़ौक्तन अपने चैनल पर। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। और मानसून की अपडेट्स भी ये इनिशियल एक आपको हमने अपडेट दी है। मई के आखिरी दिनों में इंशाल्लाह मज़ीद मैच्योर फोरकास्ट के साथ हम लोग आप लोग को अपडेट देंगे। अपना आप लोग ख्याल भी रखिएगा और इस चैनल को ज़रूर आप लोग विज़िट करते रहिए। पुरानी वीडियोज़ भी हैं वेदर की यहाँ पर, और विंटेज वीडियोज़ भी हैं, अपडेट्स भी डालते रहते हैं हम यहाँ पर। तो अपना ख्याल रखिएगा। मुझे एडमिन आतिफ शेख को इजाज़त दें कराची वेदर ऑब्जर्वेटरी के प्लेटफॉर्म से। और रमज़ान के जो बाकी रोज़े बचे हैं उनमें उम्मीद है आप लोग दुआएं करेंगे, सबके लिए खैरियत से गुजरें सबके रोज़े और अल्लाह मज़ीद बरकत नाजिल फरमाएं अपनी। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।